हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अगेन। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ऑप्टिक्स इज इमेज। ओके, इन लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। ओके, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका नया टॉपिक इमेज। हम किस चीज को डिस्कस करेंगे आज? इमेज। देखिए होता क्या है, आपको बताया भी गया था एक एक्टिविटी के बारे में। सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये कोई पॉलिश सरफेस है, जिसे हम एक मिरर का नाम भी दे सकते हैं। मिरर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मिरर को आपने डेली लाइफ में सभी यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसे मिरर भी ले सकते हैं। बाद में डेफिनेशन भी आपको मिरर की लिखाई जाएगी कि मिरर की डेफिनेशन क्या होगी। तो इसकी ये जो लोअर सरफेस है, ये इसकी क्या है, परफेक्टली क्या है, सिल्वर्ड है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सपोज कर लीजिए कि आपके पास यहां पर कोई सोर्स है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, और इस ऑब्जेक्ट को आपने इस मिरर के सामने रखा, और इस मिरर के सामने रखने पर आपने इस पर क्या की, लाइट इंसिडेंट की। नॉर्मली डेली लाइफ में जो लाइट इंसिडेंट होती है वो लाइट आपकी ड्यू टू सन होती है। ओके, तो यहां पर हम मानकर चलते हैं कि इस पर कोई लाइट इंसिडेंट होगी, तो वो जो लाइट इंसिडेंट होगी उस लाइट की कुछ रेज इस पॉइंट से पास होकर जाएंगी, और उन रेज का जो पाथ होगा वो कुछ भी हो सकता है। तो उन रेज में से आपको क्या करना है, कुछ सिलेक्टेड रेज चूज करनी है, और सिलेक्टेड रेज को चूज करने के बाद आपको करना क्या है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से उन्हें अप्लाइड करना है। उन्हें अप्लाई करने के बाद आपको इधर इसका एक इमेज मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इमेज। सपोज कर लीजिए लाइट रे यहां से इंसिडेंट होती है इस सरफेस पर, तो जब ये इंसिडेंट होगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यदि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आई है तो सेम एंगल पर आपकी ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है ना, ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट का जो आपका इमेज होगा वो इस लाइन पर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। आप सिंगल लाइन से उसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम करते क्या है कि मोर देन टू रेज या मोर देन वन रेज कह सकते हैं, इस पॉइंट से क्या की जाती है, पास की जाती है, जिसके बेस पर हम उसकी इमेज को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए आगे डिस्कस करेंगे कि जिस पॉइंट पर आपकी मोर देन टू रेज एक साथ मिलती हो एक पॉइंट से चलने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, या एक अनदर फिनोमिना और भी होता है रिफ्रैक्शन, तो उस पॉइंट को हम उस ऑब्जेक्ट पॉइंट की क्या बोलते हैं, इमेज। यहां पर हम शुरू में बात करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट की, और बाद में हम पॉइंट से फॉर्म कर देंगे पूरे के पूरे एक बड़े ऑब्जेक्ट को। जैसे हम बात करें इस मार्कर की, तो इनिशियली हम क्या मानकर चलेंगे कि एक पॉइंट है, उसकी इमेज क्या होगी, और उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, तो फिर हम एक एक पॉइंट की इमेज को फॉर्म करेंगे, और सभी इमेज पॉइंट्स की जो पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी उन्हें मिलाने पर इस ओवरऑल ऑब्जेक्ट का आपका इमेज क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इस चैप्टर में यही डिस्कस करना है कि जो आपके मिरर्स होते हैं, मिरर्स के कारण जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी बनती है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उन्हीं चीजों को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। उसी का फर्स्ट स्टेप आज स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम है इमेज। चलिए इमेज, ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट्स ए सोर्स ऑफ लाइट, एक लाइट की सोर्स हो सकती है, या जो लाइट से क्या हो रहा हो, साइन कर रहा हो, ठीक है ना, जिससे लाइट की रेज क्या हो रही हो, पास होकर आ रही हो, हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए तो इमेज ऑफ ए पॉइंट, अभी पॉइंट की बात करेंगे, इमेज
ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द इज दैट पॉइंट वेयर द टू एंड मोर देन टू और कर दीजिए टू और मोर देन टू रेज ऑफ लाइट rays of light coming from the coming from the point object meet or appears to meet or appear to meet after reflection or second phenomena जो यहां पर हम study करेंगे light का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपका रिफ्रैक्शन होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ओके तो यहां पर देखिए इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज दैट पॉइंट where the two or more than two rays of light coming from that point object meet or appear to meet मतलब मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है आभास होता है after reflection और refraction उस point को हम क्या कहते हैं image of that point clear है ना तो चलिए start करते हैं यदि आप एक एग्जाम्पल की बात करें पॉइंट ऑब्जेक्ट की तो सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास कोई क्या है प्लेन मिरर है अभी तक आपको प्लेन मिरर की डेफिनेशन नहीं लिखवाई गई है अभी डिफाइन करेंगे बाद में प्लेन मिरर के बारे में भी मिरर क्या होता है बट पहले इमेज को डिफाइन करें सपोज कर लीजिए कि आपको इस पॉइंट की इमेज को क्या करना है फॉर्म करना है रूल्स को देख लिया आपको टू रेज तो मिनिमम चाहिए ही चाहिएगी तो सबसे पहले हम एक रे कंसीडर करते हैं ये मान लीजिए कि आपका ये यहाँ पर क्या हुआ एक नॉर्मल हो गया क्योंकि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये फर्स्ट लॉ आप याद रखिए सेकेंड ऑटोमेटिकली आपका वैलिड होता है क्योंकि आप जो भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर करोगे वो ऑन ए प्लेन ही करोगे इसलिए सेकेंड लॉ आपका ऑलवेज क्या होगा सेटिस्फाइड होगा अब यहाँ से एक रे इंसिडेंट होगी कोई भी सोर्स हो सकती है जिसके द्वारा आपका ये ऑब्जेक्ट क्या होगा साइन करेगा और इससे कुछ रेज निकल कर चलेगी और यहाँ पर इंसिडेंट बहुत सारी रेज होंगी आपको उनमें से कोई टू रेज ही चूज करनी है तो फर्स्ट रे हमने यहाँ से चूज की तो ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे अब इसका क्या होना है रिफ्लेक्शन होना है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तो ये आई है तो यहाँ पे इसी एंगल पर आपका ये रिफ्लेक्ट होगा ये आपका एंगल कितना है आर और ध्यान रखिए कि आई इक्वल्स टू क्या है आर ये हुआ अभी हमें कोई पॉइंट नहीं मिला है इसलिए एक पॉइंट की और जरूरत होगी इसके लिए हम एक सेकंड रे और कंसीडर करेंगे बट कैसी कंसीडर करेंगे जिसके लिए हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सके हम यहाँ पर एक रे इसे इंसिडेंट करते हैं
इस पर नॉर्मली, जब नॉर्मली रे आप इंसिडेंट करोगे तो आपको पता है कि ये क्या का काम करेगा, एक नॉर्मल का काम करेगा, और इस रे का जो एंगल होगा इंसिडेंट रहेगा नॉर्मल से वो कितना होगा, जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो होगा तो इसी पाथ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, रिवर्स कर जाएगी। क्लियर है ना, इसी पाथ पर ये रिवर्स चली जाएगी तो हम इसे क्या करेंगे, बैक डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों रेज कहीं पर भी नहीं मिल रही है। देखिए ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे एक ये हो गई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, क्या दोनों कहीं पर आपकी एक इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो क्या इमेज बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो जहां पर इंटरसेक्ट कर सकती हो वहीं पर आपकी क्या होगी, इमेज बनेगी। अब देखते हैं इमेज कहां पर बनेगी, यहां पर चलिए ट्राई करते हैं, इसे पीछे बढ़ाते हैं, इसे भी थोड़ा सा क्या करेंगे, पीछे की ओर क्या करेंगे हम बढ़ाएंगे। तो आप देखिएगा जो इसकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी जिसे हम नाम दे सकते हैं आई का, वो कहां पर फॉर्म होगी, यहां पर फॉर्म होगी। क्लियर है ना, आप देखिए कि मिरर के जस्ट सामने आपने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा था, प्लेन मिरर के सामने, इसके जस्ट बैक साइड में, मिरर के जस्ट आपके मिरर के जो बैक साइड में है इसके जस्ट फ्रंट पे ही आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। ट्राई करके देखिएगा एक्टिविटी डे लाइफ में, आप जब मिरर अपने सामने से लोगे तो मिरर में आपको इमेज जो है अपने जस्ट सामने दिखाई देगी। ठीक है ना, नोट करिए जरा। ओके कम बैक, आपको जस्ट सामने दिखाई देगी। मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी, इस एक्टिविटी को आप घर पर भी कर सकते हैं। आप एक प्लेन मिरर ले लिए, आप प्लेन मिरर आपके पास होगा कोई भी, आप जो घर में आपके पास आईना हो मिरर हो उसे आप ले सकते हैं। मिरर को एक पेज पर रखिए, ड्राइंग पेपर पर, ड्राइंग पेपर पर रखने के साथ साथ आपको जरूरत होगी एक पेन की जरूरत होगी, एक स्केल की जरूरत होगी, बस और कुछ नहीं। अब आप क्या करिएगा, उस प्लेन मिरर पर आप सॉरी पेपर पर आप मिरर को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखिएगा। परपेंडिकुलर रखने के बाद आप एक पॉइंट ड्रॉ करिएगा पेपर पर। पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आप देखिएगा कि आपको इमेज कहाँ पर मिल रही है। ठीक है ना, आप देखिए इमेज कहाँ पर मिल रही है, आपको जस्ट सामने आपको दिखाई देगा। फिर आप क्या करिएगा कि यदि आपके पास पॉसिबल हो, ये सन रेज है, सन रेज से आपका मिरर बनेगा। यदि आपके पास कोई लेजर लाइट हो, किसी के पास वैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी के पास हो, जब आपके पास लेजर लाइट होगी तो आप एक काम करिएगा उसका दूसरी एक्टिविटी में, कि इधर से आप पहले नॉर्मल इंसिडेंट करिए तो आप देखेंगे कि जो रे है आपको वापस ही आती हुई दिखाई देगी मिरर में। दूसरा आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा इसका एंगल ऐसे इंक्रीज करिएगा, आपको दिखाई देगा कि जो लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर आपको इधर मिलेगा। देखिएगा, चेक करके देखिएगा, और फिर उनकी लाइंस ड्रॉ करिएगा। लाइंस ड्रॉ करने पर आई और आर आप मेजर करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है ना, चलिए अभी आगे हम चलेंगे इसी टॉपिक में, बट उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इमेज कितनी टाइप्स की होती है, बट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है मिरर से जितनी डिस्टेंस पर है क्या इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी या कोई और चेंजिंग होगी, तो वो भी मेजरमेंट हमें नेक्स्ट टॉपिक्स में करना है। तो आज सारा फोकस हमारा किसके ऊपर होगा, इमेज के ऊपर होगा। जो हमारे टेंथ के स्टूडेंट्स हैं हम देख रहे हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है लेक्चर्स में वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपकी जो वीडियोज है वो कम अपलोड हो रही है, क्योंकि साथ में आपके 9th के 11th के 12th के बच्चे भी है जो काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसलिए ज्यादा फोकस उन पर मेरा जा रहा है। इसलिए यदि आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज दे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है ना, और लाइव आने के लिए मेरे सब्सक्राइबर अभी कम है, लगातार काफी स्कोप उठ भी रहा है सब्सक्राइबर का, तो आप जो है सब्सक्राइबर को इंक्रीज करें जिससे मैं ज्यादा जल्दी से जल्दी आपके लिए के सामने लाइव क्लासेस ले सकूं। ठीक है ना, तो चलिए अब बात करते हैं इमेजेस कितने टाइप्स की होती है। अब आप देखिए आपकी इमेज कितने टाइप की होगी, देखिए दो तरीके हो सकते हैं कि आपकी जो इमेज है, इमेज मतलब जो आपका जो चित्र बना है, प्रतिबिंब बना है, ये क्या है कि जैसे मिरर आपका सामने है तो आपके जस्ट सामने ही आपकी जो इमेज है उधर मिल जाए जिसे आप टच कर सके। एक तरीका ये हो सकता है कि वो मिरर के पीछे बने जहां पर आप जा नहीं सकते। ठीक है ना, तो यदि मिरर के पीछे बन रही है, देखिए मिरर यहाँ स्टॉप हो गया, मिरर को क्रॉस करके लाइट बाहर नहीं जा सकती।
ठीक है ना। तो ये मिरर के अंदर बन रहा है, इसलिए ये क्या है, वर्चुअल है और इसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। बट यदि ये एक्चुअल हो, रियल हो, तो ये आपको मिरर के पीछे ना बनकर, उसके भी अंदर ना बनकर, उसके बाहर आपको बना हुआ दिखाई देगा सामने, ठीक है ना। और वो आप स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए स्क्रीन पर प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखे सिनेमा घरों में आपके क्या होता है, पिक्चर हॉल्स में जो इसका आपका मिरर लगा होता है, सॉरी जो वहां पर आपका जो पिक्चर बनती है, वो जो इमेज आपको दिखाई देती है, वो आपकी क्या पर होती है, स्क्रीन पर होती है, क्योंकि वो जो इमेज फॉर्मेशन है वो रियल इमेज का है। अदरवाइज यदि इमेज आपकी रियल ना होती, वर्चुअल होती, तो आप उसे कभी भी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते थे। चलिए तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट इज एंड वेयर ऑल्सो ए पॉइंट वी कैन डिस्कस हेयर। ये आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है, ये एक पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन आपको बताया गया। बट इन डेली लाइफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स, ओके। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय एनी मिरर और लेंसेज, देन इन दैट केस वी डिवाइड आवर ऑब्जेक्ट इन मैनी पॉइंट्स एंड वी फॉर्म द इमेजेस फॉर ईच पॉइंट्स, ओके। सो the image of any object is the combination of the images of all the points of that object, okay, in this book and in practice, ये कह सकते हैं in calculation, okay, in this book objects are denoted by arrow, और इसे कह सकते हैं by an ally, okay, by a line भी, क्या line भी सही नहीं रहेगी, क्या बोलना चाहिए बताइए, कुछ इस टाइप से हम इस तरह से दिखाते हैं, ये आपका ये इमेज हो गई बाय ए लाइन ही कह दीजिए, लाइन सेगमेंट ऑफ सेम हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ओके, क्लियर है ना। अब आप देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट की इमेज फॉर्म करेंगे, इस पॉइंट की इमेज फॉर्म करेंगे, और जो बाकी इसके बीच के पॉइंट्स है उनकी जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी सेम एज इट इज ऐसे ही होगा, क्योंकि ये लीनियर है इसलिए इनकी इमेज भी लीनियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि इन दोनों पॉइंट्स को हम वहां पर क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो हम क्या करते हैं कि एक लोअर पॉइंट को लेकर चलते हैं और एक अपर पॉइंट को कंसीडर करते हैं, बाकी बीच के पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं इसलिए, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट के केस में अपर पॉइंट और एक लोअर पॉइंट कंसीडर करना है, यदि आप ज्यादा पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे तो उस कंडीशन में जो आपकी पिक्चर होगी ज्योमेट्रिकल वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, उसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आगे चलते हैं, इमेज इज आर ऑफ
two types. Images are of two types. First is real image, जो एक्चुअल में आपकी बनेगी, जिसे आप स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं. सेकेंड इज वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज, दीज आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस. एंड नाउ प्लीज टेल मी अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर. सीन द वॉसी ऑन द बोर्ड प्लीज केयरफुली. सिंस दिस इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इन द बैक साइड ऑफ द मिरर, सो दिस इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. सो ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर आर वर्चुअल इमेजेस. ओके, वर्चुअल इमेजेस. ओके, और एग्जाम्पल इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज. ओके, नाउ वी विल डिफाइन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस. दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय रियल इमेजेस. रियल इमेजेस नथिंग बट, नोट कर लीजिएगा. ओके, चलिए अब डिफाइन करते हैं रियल इमेजेस. चलिए रियल इमेजेस की बात करते हैं. नाउ वी विल डिफाइन रियल इमेजेस. ओके, रियल इमेज इज दैट इमेज विच इज फॉर्म्ड, विच इज फॉर्म्ड when the light rays coming from an object actually meet each other after reflection. देखिए यहां पर क्या हुआ कि जो आपकी इमेज थी वो एक्चुअल में मीट नहीं की, इसलिए ये टाइप की जो इमेज है वो आपकी कैसी हुई, इमेजनरी इमेज हुई, वर्चुअल इमेज हुई. बट यदि वो एक्चुअल में मिलती तो उस इमेज को हम क्या बोलते, रियल इमेज. ये आपको बताया. फॉर एग्जाम्पल Image formed in cinema. Okay,
सिनेमा स्क्रीन इमेज फॉर्म इन सिनेमा स्क्रीन आई थिंक आर यू अंडरस्टैंडिंग ओके प्लीज टेल मी गिव योर कमेंट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप एंड माई ओके मोबाइल नंबर इज 8979558902 ओके यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेपर ओके नाउ सेकेंड थिंग इज इमेजिनरी ओके वर्चुअल इमेजेस देखिए जो पॉइंट्स आपको कराए जा रहे हैं एग्जैक्टली आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे इसलिए ध्यान से अपने नोट्स बनाते रहिए और एक एक स्टेप को आप क्लियर करके चलेंगे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा चलिए वर्चुअल इमेज क्या होगी आपकी तो जस्ट अपोजिट होगा इसका वर्चुअल इमेज इज नथिंग बट इज दैट इमेज विच इज फॉर्म्ड फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डू नॉट मीट एक्चुअली इच अदर डू नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर टू मीट अर्थात मिलती क्या होती है प्रतीत होती है बट अपीयर टू मीट व्हेन देखिए क्या किया अपीयर टू मीट व्हेन क्या किया हमने व्हेन प्रोड्यूस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन प्रोड्यूस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन ओके बैकवर्ड डायरेक्शन दीज इमेजेस कैन नॉट ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन इन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता फॉर एग्जाम्पल इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इमेज ओके आई थिंक आपको ये इमेज का जो कंसेप्ट है क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम मिरर पर ओके तो यदि आपको कुछ सजेशन हो तो कमेंट करिएगा यदि डाउट हो तो कमेंट करिएगा ओके
नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा नए लेक्चर का, उसमें हम डिस्कस करेंगे मिरर्स के बारे में, व्हाट डू मीन बाय मिरर एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिरर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिरर्स इन डेली लाइफ व्हिच इज पॉसिबल्स एंड द नेक्स्ट थिंग विल बी ओके बेस्ड ऑन द प्लेन मिरर प्रॉब्लम्स. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.